अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज हम आपको दिखा रहे हैं इनाया रॉयल रेजिडेंसी एंड शॉपिंग मॉल शॉपिंग सेंटर, जो कि मेन गुरु मंदिर पे बनौरी टाउन मस्जिद के साथ बन रहा है। अभी हम इसको इसकी डिटेल बताते हैं। तो मैं आपको ये बाहर से दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल बराबर में बनौरी टाउन मस्जिद है और ये गुरु मंदिर की मेन रोड है। और आपको मालूम है कि सारे रास्ते, कमर्शियल एक्टिविटी, सारी चीज़ें यहीं हो रही हैं। और ये आपको मैं सारा दिखाता हुआ आ रहा हूँ। और ये इसकी बिल्कुल कॉर्नर की बिल्डिंग, कॉर्नर के प्लॉट पे, ये तकरीबन कोई 3200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है और इसमें शॉपिंग सेंटर, बेसमेंट, अपर ग्राउंड और लोअर ग्राउंड, दो शॉपिंग मॉल है इसके अंदर, दो फ्लोर पर। और मैं आपको और करीब से दिखाता हूँ। ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, मैं इस पर दिखा रहा हूँ, इस पर, क्योंकि तीन फ्लोर जो है वो अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट ऑलमोस्ट सारे सोल्ड हो चुके हैं, 3 बेड के 4 बेड के और तीन कमरों के, 4 कमरों के और 1 कमरे का स्टूडियो अपार्टमेंट, ये सारे सोल्ड हो गए हैं। लेकिन नीचे दुकानें हैं सारी। अच्छा, दो बेसमेंट की पार्किंग है और ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं अभी इसका फ्रंट दिखा रहा हूँ। अंदर ग्रे स्ट्रक्चर तो सारा खड़ा हो चुका है, अभी मैं आपको अंदर से शॉप दिखाता हूँ। ये इसकी फ्रंट की शॉप्स हैं, ये बिल्कुल मेन गुरु मंदिर पे बनौरी टाउन मस्जिद के साथ ये शॉपिंग सेंटर प्लस अपार्टमेंट्स बन रहे हैं इसके अंदर, इनाया रॉयल रेजिडेंसी एंड शॉपिंग सेंटर। ये मैं आपको दुकानें दिखा रहा हूँ, ये दुकानों के एरिया ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो गई, ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है इसका, खड़ा हुआ है ऑलरेडी और बड़ा है काफ़ी, 3200 स्क्वायर यार्ड, ये के अराउंड ये कोई 35,000 स्क्वायर फिट पर ये पूरा मॉल है, मतलब शॉपिंग सेंटर इसको क्लेम कर रहे हैं बिल्डर के। मॉल तो यकीनन मॉल वो होता है जिसके अंदर सिर्फ कमर्शियल शॉप्स होती हैं, ये शॉपिंग सेंटर है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारी शॉप्स हैं। अच्छा, छोटी से छोटी शॉप भी मौजूद है, बड़ी से बड़ी शॉप भी मौजूद है। मतलब ये मैं आपको दिखाऊँ, ये एक छोटी शॉप है और 4x5x6 की शॉप, तो छोटी से छोटी शॉप भी है, बड़ी से बड़ी शॉप भी है। इस मॉल का सक्सेस होना जो है ना, वो यकीन ही है। वजह ये है कि सारी पूरी कमर्शियल पट्टी है, सामने ही मीरठ कबाब बड़ा मशहूर है यहाँ पे गुरु मंदिर पे। अच्छा, ये एरिया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एरिया फूड कोर्ट, मतलब यहाँ पर खाने पीने का की दुकानें होंगी इस एरिया में, जो कि क्योंकि जो अपार्टमेंट्स हैं उनका रास्ता बिल्कुल अलग है और उनकी पार्किंग, उनकी सारी चीज़ें अलग हैं। और यहाँ पे दो पार्किंग मौजूद हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, ये पार्किंग का एरिया है। अच्छा, क्योंकि अब इन्होंने दो कैटेगरीज रखी हैं यहाँ पे शॉप की, एक रखी है अपर ग्राउंड, एक रखी है लोअर ग्राउंड। लोअर ग्राउंड कंसीडर कर रहे हैं इसको। अच्छा, इसकी जो अच्छी चीज़ ये है कि एक सीढ़ी जो है वो अपर ग्राउंड की है और दूसरी सीढ़ी जो है वो लोअर ग्राउंड की है, ये आपको नज़र आ रहा है। और ये पार्किंग एक्चुअली अपार्टमेंट्स के लिए है और शॉपिंग सेंटर के लिए, तो ये आपको बड़ा रैम नज़र आ रहा होगा। तो ये एरिया पैक हो जाएगा और नीचे से लिफ्ट के थ्रू आप ऊपर आ सकेंगे, ये इसका लोअर ग्राउंड है। अच्छा, मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि क्योंकि इसका जो रोड का लेवल है, इस रोड के लेवल से ये जो लोअर ग्राउंड है ये सिर्फ 5.5 फिट नीचे है, और जो इसका अपर ग्राउंड है वो रोड से 5.5 फीट ऊपर है। ये देखिए, ये स्टेयर्स सीढ़ियाँ जो है नीचे आएंगी, मतलब ये हार्डली छोटा सा है, मतलब ये शॉप्स भी इंपॉर्टेंट शॉप्स होंगी यहाँ पे। और ये सारी अभी क्योंकि इनका ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है और ये एक अच्छा शॉपिंग सेंटर होगा। इस एरिया में शॉपिंग सेंटर नहीं है, यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी बहुत है, मतलब दुकानें बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर मॉल टाइप का, मतलब शॉपिंग सेंटर टाइप का ये पहला अपने दर्जे का मॉल होगा। अच्छा, इसकी सक्सेस इसलिए ज़्यादा मतलब यकीनी है कि ये सामने ही बनौरी टाउन है। बनौरी टाउन में आपको मालूम है कि कराची में सबसे ज़्यादा रश जो है बनौरी टाउन में लगता है, और पब्लिक का ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे, वॉक इन बहुत है। ये मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, बहुत रश है यहाँ पे पब्लिक का और आवाज़ें आपको आ रही होंगी मोटरसाइकिलों की। ये मेन गुरु मंदिर पर ये और कॉर्नर प्लॉट है, 3200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है और तीन फ्लोर जो है अपार्टमेंट हैं और दो अपर ग्राउंड और लोअर ग्राउंड जो है वो इसके शॉपिंग सेंटर है, शॉप्स हैं, कुछ 400 शॉप्स जो हैं
इसमें अवेलेबल है। छोटी से छोटी शॉप भी मौजूद है और बड़ी से बड़ी भी मौजूद है, मतलब आपको 4x4 की शॉप भी मिल जाएगी, 6x6 की भी शॉप मिल जाएगी। अच्छा, इसकी कामयाबी इसलिए मैं ये आपको सारा दिखा रहा हूँ, मैं इतना बिजी एरिया है ये, यहाँ पे पार्किंग का भी कोई इशू नहीं है, ये पार्किंग भी दे रहे हैं और फ्लैट तो सारे बिक गए हैं। मैं आपको जो इसका मॉडल है उसकी एक तस्वीर दिखाता हूँ। अच्छा ये देखें, ये एंट्रेंस है इसकी और ये 9 फीट चौड़ी एंट्रेंस है। आप जो मॉल शॉपिंग सेंटर के अंदर आएंगे, इसकी 2 जगह से एंट्रेंस है और ये जो मैं साइड बता रहा था लोअर ग्राउंड की, ये सीढ़ियाँ जो हैं, मतलब रोड से ही जो है आप डायरेक्टली नीचे भी जा सकते हैं और अपर ग्राउंड जो है रोड से 5.5 फीट ऊपर है, तो ऑलमोस्ट दोनों ही ग्राउंड है। ये इस मॉल की, ये देखिए ये मॉल की स्टेयर्स हैं, ये आप मेन रोड से डायरेक्टली इंटर होंगे इसके ऊपर। ये देखें, दो जगह से एंट्रेंस रखी है मॉल की। ये सारी स्टेयर्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फ्रंट से सामने से खुल जाएगा ये। तो ये इसकी मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि इसकी जो लोग भी शॉप ख़रीदेंगे यहाँ पे या बुक कराएंगे, 18 महीने के पेमेंट प्लान के ऊपर है और छोटी से छोटी शॉप भी मौजूद है, बड़ी से बड़ी शॉप भी मौजूद है यहाँ पर। तो फ्रंट की शॉप्स ऑलमोस्ट जो है वो 80% तो सोल्ड हो चुकी हैं, ये आपको नज़र आ रही है, ये बड़ी शॉप्स हैं। ये देखें आप, ये बड़ी नहीं बहुत बड़ी हैं। अच्छा, एक ऑप्शन और मौजूद है यहाँ पे, जो पीछे शॉप्स ले रहे हैं, जैसे लेट सपोज़ आप 6x6 की शॉप्स लेते हैं तो, और उसके बैक पे भी 6x6 है, तो आप चाहेंगे तो दोनों शॉप्स हैं वो एक करके आपको मिल सकती हैं। ये बड़ा अच्छा शॉपिंग सेंटर होगा फ्यूचर का। ये देखिए, ये शॉप्स अवेलेबल है, ये आपको 3 कॉर्नर जिसके नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक फ्रंट इसका बिल्कुल मेन गुरु मंदिर से खुल रहा है, ये आपको पीछे गाड़ियां नज़र आ रही होंगी जाती हुई। ये सामने मीरठ कबाब है, मीरठ कबाब बड़ा मशहूर है यहाँ पे, रात में बहुत लेट आवर्स तक ये खुला हुआ होता है। तो ये एरिया है। फिलहाल मैं आपको मज़ीद और चीज़ें इस पर गाइड करता रहूँगा आने वाले दिनों में, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर कम्प्लीट है, वो कह रहे हैं 2 महीने में जो है हम फिनिशिंग की तरफ होंगे। तो ये शॉप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कमर्शियल हैं सारी, लोअर ग्राउंड अपर ग्राउंड 2 पे शॉपिंग सेंटर है, ऊपर 3 फ्लोर जो है अपार्टमेंट है। ये अच्छा प्रोजेक्ट होगा इस इलाके का, क्योंकि इस इलाके के अंदर ये सब चीज़ें हैं नहीं, शॉपिंग सेंटर टाइप की नहीं है। दुकानें ज़रूर मिलेंगी आपको कमर्शियल, क्योंकि सारा कमर्शियल ही एरिया है। ये देखें आप, ये जो आप नज़र आ रहा है आपको, ये आप इंटर हुए मॉल के अंदर और बैक तक आपको एक पीछे एक ग्रीन पट्टी नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपको जो भी मॉल में शॉपिंग सेंटर के अंदर आएगा उसको कोने तक की शॉप दिखेंगी, छोटी शॉप बड़ी शॉप सब मौजूद है। तो लो बजट वाले भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और 18 महीने का पेमेंट प्लान है। ठीक है भाइयों, हमारे चैनल का ख्याल रखें, क्योंकि हम लोग आप ही के लिए सारी एक्टिविटी कर रहे हैं कि आप लोगों को कोई अच्छी चीज़ें मिलती रहें। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने जानने वालों को, दोस्तों यारों को, सबको बताएं कि हमारी मोटिवेशन हो, जितने ज़्यादा लोग देखते हैं उतनी ज़्यादा हमारी मोटिवेशन होती है। ओके भाइयों, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।